क्या हुआ भाई, इतना टेंशन में काहे लग रहा है? क्या बताएं भैया, मछली पालन करना चाहते हैं लेकिन जेब में पैसा ही नहीं है। अरे ठीक है ना भाई, मैं बताता हूँ। ये बता कि घर में गाय तो होगा ही? गाय? हाँ है भैया है। गाय है तो धान का चूरा भी होगा खिलाने के लिए उसको? हाँ है भैया है। तो और क्या टेंशन ले रहा है भाई, एकदम 0 रुपए में तुमको मैं बताऊंगा कि मछली पालन कैसे करेंगे, ठीक है? भैया आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष। हेलो किसान भाइयों, मैं हूँ आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया, फिशरीज डेजर्ट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। अगर आप कम पैसे में 0 खर्च में मछली पालन करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आप सिल्वर कार्प मछली का पालन करना चाहते हैं तो आपका मछली वाला भैया आज आपके लिए बहुत कम खर्च में कैसे आप सिल्वर कार्प मछली का पालन कर सकते हैं उससे संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आया है। सबसे पहले इस वीडियो में अपन बात करेंगे दोस्तों कि सिल्वर कार्प मछली आखिर किसके साथ पालन करते हैं और इसको कौन सा मेथड में हम लोग पालन कर सकते हैं, किन किन मछलियों के साथ, क्या कितने खर्च में हम लोग इस मछली को तैयार कर सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फीडिंग बिहेवियर की। देखिए आपकी जो सिल्वर कार्प मछली है दोस्तों, वो कतला मछली के साथ तालाब के सरफेस में रहती है। सरफेस में जो भी खाने का पदार्थ होगा उसको खाएगी, और साथ ही साथ आपके जो डेट्राइटस है, नीचे में जो भी सड़ी गली पदार्थ होती है उसको भी सिल्वर कार्प मछली है वो खा जाती है। या और अगर बात करें फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन की, तो फाइटोप्लैंकटन को सबसे ज्यादा खाती है। आपने देखा होगा बहुत बार तालाब में आपके तालाब का पानी हरा हो जाता होगा, ब्राउनिश हो जाता होगा, मतलब एल्गल ब्लूम की परिस्थितियों में सबसे बेहतरीन मछली होती है आपकी सिल्वर कार्प मछली। सिल्वर कार्प मछली को दोस्तों हम लोग दूसरे मछली को साथ पालन करते हैं जिसमें 3 इम्पोर्टेंट परिस्थितियां आती है। पहला आपको पॉलीकल्चर, जिसमें हम लोग या तो IMC के साथ सिल्वर कार्प मछली का पालन कर सकते हैं, या तो आप विदेशी कार्प मछलियों के साथ आप पालन कर सकते हो। सबसे बेहतरीन मुझे लगता है कि ये मछली कॉमन कार्प मछली या फिर अमूर कार्प मछली के साथ इसको पालन करेंगे तो सबसे ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। एक और हमारे किसान भाइयों का सवाल रहता है कि सर फीड का कॉस्ट इतना ज्यादा हो चुका है कि हम लोग दाने का खर्च है उसको वहन नहीं कर सकते। तो मैं आपको कहूंगा कि सिल्वर कार्प मछली का पालन है दोस्तों, वो आप गाय के गोबर के साथ भी कर सकते हो, मतलब फीडिंग कराने की झंझट बिल्कुल भी नहीं होती। इसकी एक खासियत है, क्योंकि ये फाइटोप्लैंकटन को ज्यादा खाती है, फिल्टर फीडर है, इस वजह से आपको कंपनी वाले फीड खिलाने की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप खिला सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फाइटोप्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग कर सकते हो, जिसमें गोबर का उपयोग करिए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो भी केमिकल्स आते हैं, यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट यूरिया, इन लोगों का भी उपयोग करके आप सिल्वर कार्प मछली का पालन कर सकते हो। अब बात करते हैं सिल्वर कार्प मछली के पालन करने की प्रक्रिया के बारे में। मिनिमम अगर हम लोग एरिया की बात करें दोस्तों, तो आपको पता होगा कि कार्प मछलियों को मिनिमम 1 एकड़ तालाब की जरूरत है, वो पड़ती ही है। और दूसरी बात मैंने बताया आपको कि सिल्वर कार्प मछली प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग के लिए ज्यादा अनुकूल है, तो मैं कहूंगा कि आप तालाब प्रिपरेशन के बाद दूसरा काम करिए, मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजिंग ऐड करके तालाब में। इसके लिए सबसे पहले हम लोग फर्मेंटेट करते हैं। तो अमाउंट की बात करें तो अगर आप गोबर का प्रयोग करते हो तो मिनिमम प्रति एकड़ आपको 1 टन गोबर, मतलब 1000 किलो गोबर के साथ 10 किलो यूरिया, 10 किलो सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग है आप करिए, और इसको 72 घंटों तक अच्छे से सड़ाइए, इसको अच्छे से हिलाइए और उसमें एरिएशन दीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन 3 दिनों तक अच्छे से आप गोबर को सड़ा करके ही तालाब में डालिए। तालाब में अच्छे से गोबर को डालने के पश्चात दोस्तों हमारा दूसरा काम होता है कि बच्चे कितना स्टॉक करें। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग सिल्वर कार्प मछली को या तो पॉलीकल्चर में पालते हैं या फिर आप कॉमन कार्प मछली के साथ इसको पालते हैं। अगर बात करें दोस्तों परसेंटेज की, क्योंकि हमारी मछलियां हैं वो तालाब के अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं और अलग अलग क्षेत्रों का प्रयोग करती हैं, और हम लोग अपने मछली की स्टॉकिंग डेंसिटी के हिसाब से ही ये डिसाइड करते हैं कि हमको इंटेंसिव कल्चर पालन करना है, सिंगल स्पीसीज का पालन करना है, या फिर दूसरे मछलियों के साथ आप सिल्वर कार्प मछली का पालन करना है, ठीक है? तो अगर आप
आईएमसी मछली इंडियन मेजर कार्प के साथ सिल्वर कार्प का पालन करना चाहते हो तो सबसे पहले बात करता हूँ कतला और सिल्वर कार्प मछली का कितना डालना है आपको। आपको डालना है 1500 से 2000 सिल्वर कार्प और आपके कतला मछली के दोनों को मिक्स करके डालना है, ठीक है। मतलब कम से कम 1000 बच्चे आपका सिल्वर कार्प का हो और 1000 बच्चा आपका कतला का हो। रोहू मछली को मिनिमम आपको संख्या में डालना है क्योंकि ये मछली 2 साल ले लेती है बड़ा होने में, तो इसके लिए आपको मिनिमम 500 से 600 बच्चे डालने हैं। और बात करें हम लोग ग्रास कार्प मछली की, ग्रास कार्प मछली को 1000 संख्या में आपको डालना है प्रति एकड़। मृगल और जो कॉमन कार्प या फिर अमूर कार्प हो गया उसको आपको मिक्स में टोटल 1000 से 1500 बच्चे डालने हैं। टोटल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो प्रति एकड़ 5000 बच्चे हैं हम लोग स्टॉक करते हैं, तो इस डिवाइडेशन में ही आपको बच्चे डालने हैं। दूसरी बात, अगर आप सिल्वर कार्प मछली को कॉमन कार्प मछली के साथ पालन करना चाहते हो तो सबसे बेहतरीन स्टॉकिंग डेंसिटी की बात करें तो आपको सिल्वर कार्प मछली के 2500 बच्चे और आपके कॉमन कार्प मछली के या फिर अमूर कार्प बच्चे उसको आपको 2500, मतलब टोटल 5000 बच्चे हैं वो आप स्टॉकिंग में पालन कर सकते हो। एक बार मेरे वीडियोस में मैं आपको बताता हूँ कि आपको इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर एकीकृत मछली पालन आपको करना चाहिए। मतलब मछली पालन के साथ सुअर पालन, बकरा पालन, मुर्गी पालन, इसको आप अपनाएंगे तो आपको जो फीड का कॉस्ट है दोस्तों वो आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मछली के साथ साथ बकरा पालन, सुअर पालन, कुछ भी पालन करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उन परिस्थितियों में आपको सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प मछली का ही पालन करना चाहिए क्योंकि ये मछली आपके प्लैंकटन बेस्ड फार्मिंग में सबसे ज्यादा ग्रोथ करती है और आपको न गोबर डालने की टेंशन न ही आपको फीड खिलाने की टेंशन है। सारा जो भी गाय का गोबर निकलेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर में हम लोग दूसरे पशुओं का पालन करते हैं, तो उसके सारे गोबर को आपको तालाब में डाल देना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपने तालाब के ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना है, बाकी कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ती। करें अगर फीडिंग की, अगर आप कंपनी वाले फीड खिलाना चाहते हो तो 28% वाले प्रोटीन को फीड कराइए और स्टार्टिंग में 2 से 3 महीने तक आप 1 mm साइज का मतलब 32% वाले प्रोटीन को फिट करा सकते हो। बाकी जैसे ही 3 से 4 महीने हुई तो आप 28% प्रोटीन वाले फिट खिला सकते हो। बात करें अगर आप फार्म मेड फिट बनाना चाहते हैं तो राइस ब्रांड और सरसों खली दोनों को 75% आपको डालना है। यहाँ पर राइस ब्रांड को और 25% डालना है आपको सरसों की खली को, ठीक है। बहुत ही आसान और कम खर्च में आप अपना फीड तैयार कर सकते हो। और अगर बात करें बढ़वार की तो दोस्तों अगर आप अच्छे से फीड कराते हो तो सिल्वर कार्प मछली 2 से 3 किलो साइज तक है वो बढ़ जाती है 1 साल में। बाकी आपके साइड सिल्वर कार्प मछली का कैसे डिमांड है उसके हिसाब से आप इस मछली का पालन करिए। हमारे साइड इसका प्रति किलो रेट है वो 120-130 रुपए थोक प्राइस में बिक जाती है और मुझे लगता है कि प्रति आपको किलो मिनिमम 40 से 50 रुपए तक का प्रॉफिट है आप कमा लेते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपके साइड कौन सा मछली का ज्यादा प्रचलन है, उसके हिसाब से ही आप इस मछली का पालन करिए। तो किसान भाइयों इस प्रकार से आप सिल्वर कार्प मछली का बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम खर्च में पालन कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी अगर आपके मन में कुछ सवाल होंगे उसको नीचे कमेंट करिए, आपको मछली वाला भैया आपको जरूर इसका जवाब देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, वीडियो को लाइक जरूर करिए, ऑस्कर फिशरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।